लाइसेंस लाइसेंस रिन्यू नहीं कराई साहब सू लाइसेंस रिन्यू नहीं कराई साहब गेम नहीं कराओ साहब कल ही कराई थी ना 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 फाइन देना पड़ेगा अरे साहब ना ना फाइन देना पड़ेगा हाँ हाँ ले ली तेरी फेवरेट चॉकलेट और सुन सुबह तक आऊंगा मैं टिट्टू सो गया ना चल रख अभी नाना फाइन देना पड़ेगा ये तुम लोग का जाने दो ना साहेब ये तुम लोग लंबा लंबा गाड़ी चल यस सर यस सर जाने दे इसे बट सर इसका इसका पीवी के लिए गजरा भी क्या इसके पैसे से लेगा जाने दे बे यस सर थैंक यू वेरी वेरी मच सर हेडलाइट बंद कर बे रे अशोक तू फिर साले दो नंबर का माल तो नहीं लेके जा रहा ना अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो अब उस दिन के बाद से लेके आज तक दोबारा कभी ऐसा हुआ कहीं हो गया तो अरे तेरा कोई भरोसा नहीं है अरे त्रिवेदी साहब क्यों बार बार चेकिंग करते हो कुछ नहीं है गाड़ी में वो तो मैं देखूंगा अरे साहब चल बाहर निकल अच्छा चलो ठीक है मैं देख लूंगा पकड़ बे साले दारू पी रखी है तूने अरे नहीं नहीं साहब ये वो वीकेंड की है ना वो वीकेंड सेलिब्रेट किया था ना तो उसी की है तेरा तो बेटा किसी दिन ऐसा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करूंगा ना धार की जगह फोड़का निकलेगी तेरे नीचे से अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं ऑल क्लियर चल निकल मेहरबानी साहब सुनो बेवड़े जी साहब कहाँ तक जाएगा बे तू साहब वो अपना गांधीधाम तक रुक मैं भी आता हूँ अरे क्या बात है साहब आइए ना आइए प्लीज आइए जागते रहना दोनों यस सर अगर फिर पता चला ना कि खराटे भर रहे थे तो पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे दोनों के समझे यस सर गुड नाइट सर सर तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं इनके बारे में लगता है इनकी बाइक को सब सच बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा अरे यही तो सर चूतिए अबे कौन सी वाली पसंद तेरे को ये वाली हैं ये वाली अबे मस्त है भाई
जी साहब। बारह 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 नहीं नहीं साहब, लाया हूँ लाया हूँ लाया हूँ लाया हूँ। अबे भूतनी के, निकल जाता ना परिंदा अभी कान के नीचे से, पहले क्यों नहीं दी? वो सब मैंने सोचा थोड़ी आगे जाके देता हूँ। अबे बेवड़े, थोड़ी देर में तो आधी खत्म हो जाती। सॉरी ना साहब, वो आगे से नहीं होगा। चल बैठ अभी। अबे चखना। और तेज। जी साहब। और बता, आज कौन सी मिठाई खिलाएगा? दिल्ली की है साहब। हैं? अबे हटाना इसे, अब बता। दिल्ली की है साहब। दिल्ली की है, फिर तो कम मीठी रह गई होगी। अरे अब क्या करें साहब, कलयुग है ना, मिठाई भी मीठी कहाँ है आजकल। क्या बोला बे तू, कलयुग है। उम्र क्या है तेरी? सो सकती हूँ आपके साथ। मजा आएगा तेरे साथ सोने में। मत निकाल, अच्छी लग रही है। मेरी बात नहीं मानेगी ना तो माँ याद करा दूंगा। सबकी बात माना करती थी मैं, सबकी बात माना करती थी मैं, फिर भी यह दारू पिएगी।
मेरी बीवी के लिए थी वो चॉकलेट। आई लव चॉकलेट्स। स्कूल में जब मुझे सब स्लट स्लट बोला करते थे ना, तो मैं कैंटीन जाकर चॉकलेट खाती थी। स्लट क्यों बुलाते थे तुझे? पता नहीं क्यों, यू नो फ्रेंडली होना कर्ज है हमारे लिए। स्लट का टैग मिल जाता है। तुमने भी तो दिया होगा ना टैग किसी लड़की को अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में। रंडी बुलाते थे हम उन्हें, स्लट नहीं। तुम्हारी वाइफ भी उन रंडियों में से एक नहीं थी क्या? हद में रहो दिल्ली वाली। सॉरी। फिर भी सही बुलाते थे वो तुझे। रंडी थी तू, है और रहेगी। अब तो फर्क भी नहीं पड़ता, बुला लो जो मर्जी। नाम क्या है तेरा? हीरी। तू स्लट है हीरी। तूने उन्हें और मुझ जैसों को सही साबित किया है। एक तरह से बात मान ली तूने उनकी। मैं सेकेंड ईयर में थी, वो फाइनल ईयर में था। मेरा बॉयफ्रेंड। जब मेरा नाम बुलाया करता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे मैं तो भूल ही गई, हेरी नाम थोड़ी है मेरा, हिमानी। हिमानी नाम था मेरा, हिमानी। सब मुझे इसी नाम से बुलाते थे। दिल्ली की है ना तू, यहां क्यों आई? मैं मुंबई जाने वाली थी पहले, बट लोग एक जैसे ही हैं। वहां भी यहां भी मुझे दिल्ली और मुंबई एक जैसा लगता है। ऐसे लोगों से दूर जाना था मुझे, तो यहां के टिकट ले ली। वो टिकट भी ना बॉयफ्रेंड ने लाकर दी थी मुझे। क्या? I loved him so much। वो जैसा फिल्मों में नहीं दिखाते सच्चा प्यार, वो करती थी मैं उसे। उसके सारी बात मानती थी मैं, सारी बात। पब में चलने को बोलता था, पब में साथ चलती थी। फ्लैट पे चलने को बोलता था, फ्लैट पे साथ चलती थी। MMS बनाने को बोलता था, वो भी मान लेती थी। सिगरेट होगी आपके पास? मेरी खत्म हो गई है। आगे बता। MMS लीक कर दिया उसने, पूरी दिल्ली में मेरा साइज पता चल गया। मेरी और बॉडी का एक एक पार्ट सबके सामने था। वही स्कूलमेट जो मुझे स्लट स्लट बुलाया करते थे, हैशटैग में हिमानी स्लट लिखकर मुझे हर जगह पॉपुलर कर दिया। मेरे फादर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के हेड थे। कॉन्फ्रेंस के बीच जब एक एम्प्लॉय चुपके से मेरी वीडियो देखता हुआ पकड़ा गया,
तो उसके साथ मैं भी पकड़ी गई, घर से निकाल दिया मुझे। दिल्ली दूर हो गई थी मुझसे और अब मुंबई में भी मैं फेमस हो गई थी। तभी मैंने कहा मुझे मुंबई और दिल्ली एक जैसा लगता है। और तेरा बॉयफ्रेंड? ब्लाइंडली प्यार करती थी मैं उससे, ब्लाइंडली। सिर्फ सबसे ज्यादा उसी की बात मानती थी। तो उससे ही पूछा कि अब क्या करूं मैं। तो क्या था, स्लट बन जा, जब तेरी इज्जत ही नहीं रहेगी तो बेइज्जत कहां से होगी। जब वो ये कहकर गया तो पहले मुझे ठीक नहीं लगा, बट आई हैड नो चॉइस, पैसे खत्म हो गए थे मेरे पास। फिर मैंने कहीं पढ़ा जब बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए हुजूर, फिर यूं कीजिए कि वो गुनाह को कर दीजिए। फिर तूने क्या किया? बहुत फिक्र करता था वो मेरी, रात के 2 बजे टिकट ला कर दी उसने और ट्रेन में बिठा कर गया, बस बाय कहकर नहीं गया, या शायद उस लायक ही नहीं रह गया था। जब कुछ घंटों बाद मेरी नजर टिकट पर पड़ी तो पता चला गुजरात की है। आपका गुजरात साहब, आपका। उसकी सारी बात मानती थी मैं प्यार करती थी ना उससे, शायद इसलिए। मैं स्लर्ट नहीं थी, लोगों ने बना दिया मुझे। मैं रंडी भी नहीं थी, मैं प्यार करती थी उससे, तब सिर्फ वो मुझे प्यार किया करता था। अब सारा गुजरात प्यार करता है हीरी को। हिमानी से हीरी कब बनी ये भी नहीं पता मुझे। यूनो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो हिमानी स्लट के साथ सो रहे या हीरी रांड के साथ, सब प्यार करते हैं मुझे। आप ही करोगे ना साहब? मैं थोड़ी सी चॉकलेट और ले लूं। तुझे खुद पे तरस नहीं आता? क्या करे साहब, कलयुग है साला, इधर तरस को भी तरस नहीं आता। ओए, जल्दी चल। क्या हुआ साहब, कोई नया मर्डर केस आया क्या? नहीं, सुसाइड केस है भैंचोद, घर लेके चल जल्दी। जी साहब। ये चलाना। सुनो ए। हाँ साहब। ये मिठाई खिलाना बंद कर तू। क्यों साहब, पसंद नहीं है आपको? कोई नहीं, कल आपको मुंबई की टेस्ट कराता हूँ, अगर पसंद नहीं आया तो।
मुंबई दिल्ली सब एक जैसा है। ये आपसे किसने कहा? साले मेरी इंटरोगेशन कर रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, गाड़ी चला चुपचाप। ठीक है साहब, ठीक है साहब। साहब मैं चलाऊं? गाड़ी चला बस। ठीक है साहब, ठीक है साहब। सुनो ए, जी साहब, तू ये लड़कियां सप्लाई करना बंद कर वरना तुझे जेल में बंद कर दूंगा, समझा ना? ठीक है साहब। और आज रात के बारे में किसी से कुछ बताइयो मत। ठीक है साहब, समझा ना? जी 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 साहब, जी साहब। पहुंच टाइम से। जी 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 साहब। लगता है ये दिल्ली वाली मिठाई कुछ ज्यादा ही मीठी निकली, इसलिए इसका बीपी शीपी हाई हो गया। चूतिया है साला। आप तो सुबह आने वाले थे ना? तमे मारी मैगजीन जोया छे, मने मरती नथी। तमे मारी चॉकलेट आव्या के? अरे ये चॉकलेट हाफ क्यों है? तमे खाड़ी के? जब बेवजह कोई इल्ज़ाम लग जाए तो क्या कीजिए हुजूर, फिर यूँ कीजिए कि वो गुनाह को कर दीजिए।